हेलो दोस्तों दोस्तों आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दीपक झा स्टडी मस्ती पे, और मैं हूँ दीपक झा। दोस्तों जैसा कि आज इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं टेंस से संबंधित, जी हाँ, टेंस, पार्ट्स ऑफ टेंस, आई मीन दूसरा पार्ट आज बताएंगे, यानी कि पास्ट टेंस का बताएंगे, जी हाँ। और इससे पहले हम आपको टेंस का वीडियो यानी प्रेजेंट का पूरा दे चुके हैं, और पास्ट टेंस का पास्ट टेंस का दो वीडियो दे चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट का और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और आज जो हमारा होगा पास्ट टेंस का तीसरा वीडियो होगा, आई मीन थर्ड वीडियो होगा। तो अगर वो सब वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप जाकर देख लीजिएगा। नहीं तो मेरे प्लेलिस्ट पर जाइए, आपको सारा टेंस का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आइए आपको बताते हैं आज पास्ट परफेक्ट टेंस कहते किसे हैं, और पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पहचान होगा वो क्या है और रूल्स क्या है। तो आइए बिना समय गवाए आपको ले चलते हैं पास्ट टेंस पे। हमारा सबसे फर्स्ट जो है, ये सबसे पहले क्या होता है कि पहचान होता है, आपको पता होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी हमें ये जानना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। ठीक है, पहचान देखिए, यानी जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, रहता है, तो उसका अनुवाद क्या होगा, प्रायः पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। जी हाँ, एक सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन है, शॉर्ट, कोई ज्यादा लॉन्ग नहीं है, सिंपल सा। अगर हमें कोई ट्रिक मिल जाए तो उसकी सहायता से आसानी से बना सकते हैं, वही हम देने का काम कर रहे हैं। तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए और समझिए यहाँ पे पहचान क्या कर रही है। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, रहता है, तो उसका अनुवाद जो होगा वो प्रायः क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। ये इसका पहचान हो गया, आइडेंटिटी हुआ किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब आगे देखिए इसका रूल्स क्या होगा। इसका रूल्स जो होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी थ्री प्लस एक्स्ट्रा कोई कंप्लीमेंट या कोई वर्ड, ठीक है, या आप ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा जो रूल्स है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी थ्री, इसमें क्या है कि हैड लगेगा। आपको याद होगा जब पास्ट कंटिन्यूअस का दिए थे तो वाज वेयर का यूज करवाया था, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस भी फोर प्लस एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट। इसमें क्या है कि सब्जेक्ट प्लस हैड लगेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी थ्री प्लस एक्स्ट्रा कोई कॉम्प्लीमेंट। इसमें वाज वेयर क्योंकि कंटिन्यूअस तो है नहीं परफेक्ट, इसलिए इसमें हैड लग जाएगा। और आपको पता होगा परफेक्ट में भी थ्री लगता है, क्या होता है, वर्ब थ्री, उसका प्रयोग होता है। तो उसी का प्रयोग करके और हेड का प्रयोग करके आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए इसका रूल्स आपको पता ही होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस भी थ्री प्लस स्टाफ कॉम्प्लीमेंट, ये इसका रूल्स होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का। एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल अगर देखिएगा तो मैं खा चुका था, आई हैड ईटन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई हैड ईटन, जो कि ईटन जो हमारा ईट का भी थ्री होता है। तो मैं खा चुका था, आई हैड ईटन, और दूसरा जो होगा वह पढ़ चुका था, ही हैड रीड, रीड का भी थ्री रीडिंग होता है, इसलिए रीडिंग होगा, यानी ही हैड रीड हो जाएगा। तो इस तरह पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव का ये रूल होता है, ये अफर्मेटिव का होता है रूल होता है, और इस तरह इसका पहचान होगा। जबकि ये तो पहचान पूरे पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए होगा कि किसी भी हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा रहे, तो वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का। जैसे जरूरत है कि मैं खा चुका था, मैं पढ़ चुका था, मैं दो दिनों से पढ़ चुका था, खा चुका था, ये भी हो सकता है, आई मीन बहुत सारा एग्जाम्पल होता है, लेकिन सभी के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा रहता है, और वो सभी के सभी उदाहरण जो होंगे वो होंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो ये तो था अफर्मेटिव, और अब हम आपको बताएंगे नेगेटिव का रूल्स और उसका एग्जाम्पल। तो मेरे वीडियो में बने रहिए, अंत तक पूरा देखिए, बिना स्किप किए देखिए, और वीडियो को देख करके आप सीखिए कि किस तरह क्वेश्चन को बनाते हैं, ट्रांसलेट इंग्लिश में करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब नेगेटिव सेंटेंस है, जो नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, उसको देखेंगे, उसका रूल्स क्या होता है वो देखिए। नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल होगा, ये आपको रूल दिखाई देता होगा, ये रूल जो होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस भी थ्री प्लस एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट। सिर्फ हैड की बात क्या है कि नॉट लगा दिया गया है, क्योंकि हमारा क्या है, नेगेटिव है, नकारात्मक है, इसलिए नॉट लगा दिया गया है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस भी थ्री, जैसे एग्जाम्पल इसका होगा, मैं नहीं खा चुका था, क्या होगा, मैं नहीं खा चुका था, आई हैड नॉट ईटेड, वह नहीं जा चुका था, ही हैड नॉट गॉन हो जाएगा, क्योंकि गो का भीतरी गॉन होता है, ही हैड नॉट गॉन। तो इस तरह आप बना सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस को, आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस भीतरी का रूल यूज करके। तो ये इस तरह काफ़ी आसान है नेगेटिव। और तीसरा पार्ट जो होता है वो होता है इंट्रोगेटिव, उसको देखिए, इंट्रोगेटिव में किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
दोस्तों अब देखिए हमारा जो तीसरा और ये चौथा जो होगा यानी इसका टाइप्स इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की बात कर रहे हैं, सॉरी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव का जो रूल होगा और नेगेटिव इंट्रोगेटिव का जो रूल होगा वो उसी से लिया जाता रहेगा जो आपके लिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाला है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात होगा क्या, तो उसको काफी करीब से समझेंगे। देखिए इसका रूल्स होता है, इसका रूल्स जो होगा वो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य होता है इसका, यानी ठीक है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट। इसमें क्या है, सब्जेक्ट के बाद हेड था तो वो पहले आ गया, तो हेड प्लस सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 हो गया, ठीक है। अब इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इसका रूल्स कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट, क्या होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट। और इसका एग्जांपल अगर आप देखते हैं इसमें क्या है कि देखिए हैड प्लस सब्जेक्ट जो इंट्रोगेटिव में था इसमें भी है, बस इसमें प्लस V3 था और इसमें नॉट लगा के V3 किया गया है क्योंकि हमारा निगेटिव लगा हुआ है इसलिए नॉट लगेगा, निगेटिव का मतलब नॉट होता है, ठीक है। प्लस V3 प्लस एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट सेम रहेगा। एग्जाम्पल देखेंगे, क्या मैं खा चुका था, एग्जाम्पल फर्स्ट हमारा क्या होगा, क्या मैं खा चुका था, हैड आई ईटन हो जाएगा, क्या होगा, हैड आई ईटन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हैड आई ईटन हो जाएगा, ये हमारा इंट्रोगेटिव का हो गया। अब निगेटिव इंट्रोगेटिव का लेंगे तो क्या मैं नहीं जा चुका था, क्या मैं नहीं जा चुका था, हैड आई नॉट ईटन, क्या होगा, हैड आई नॉट ईटन, क्योंकि यहाँ पे नॉट लग गया क्योंकि आपको पता ही है कि निगेटिव इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, एक तो इंट्रोगेटिव है क्या मैं जा चुका था, उसमें निगेटिव लग गया तो क्या मैं नहीं जा चुका था, इसलिए हैड आई नॉट ईटन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह इंट्रोगेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या मैं खा चुका था, क्या मैं पढ़ चुका था, क्या मैं बोल चुका था, क्या मैं दौड़ चुका था, क्या मैं नहीं दौड़ चुका था, क्या मैं नहीं खेल चुका था, सब इसी रूप पर बनेंगे, इसी रूल्स पर बनेंगे और सारे को क्वेश्चन को हम आसानी सॉल्व कर लेंगे, बशर्ते हमें रूल्स याद होना चाहिए और आइडेंटिफिकेशन तो होना ही चाहिए क्योंकि सबसे पहले टेंस पहचाना जाता है, उसके बाद उसको रूल्स को याद किया जाता है और उस पर बैठा करके रूल्स को लगा करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाता है। तो ये हमारा ये था, और आइए आपको कुछ थोड़ा और सा एग्जाम्पल बताते हैं उसको देखिए, और देखिए थोड़ा सा लॉन्ग एग्जाम्पल होगा लेकिन बनेगा इसी प्रकार। तो दोस्तों देखिए हमारा अगला आपको जस्ट बोलेंगे कुछ एग्जाम्पल देंगे, आप उसको देखिएगा क्योंकि वह भी जो होगा पास्ट परफेक्ट का होगा। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आपका फर्स्ट है इसमें, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, क्या था, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, द थीफ हैड फील अवे, द थीफ हैड फील अवे बिफोर द पुलिस कैन, क्या होगा, द थीफ हैड फील अवे बिफोर द पुलिस कैन। या दूसरा एग्जाम्पल होगा, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ही गाड़ी खुल चुकी थी, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ही गाड़ी खुल चुकी थी, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई अराइव्ड एट द स्टेशन, क्या होगा, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई अराइव्ड एट द स्टेशन। यहाँ पे क्या है कि मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ही गाड़ी जो थी वो क्या थी, खुल चुकी थी, इसलिए यहाँ पे अराइव लग गया, अराइव्ड एट द स्टेशन हो जाएगा। मेरे आने के पहले ही वह जा चुका था, मेरे आने के पहले ही वह जा चुका था, ही हैड गॉन बिफोर आई कैम, क्या होगा, ही हैड गॉन बिफोर आई कैम हो जाएगा। तो ये इस तरह का भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, और इस तरह का अगर आपको एग्जाम्पल भी मिलेगा तो आप समझ जाइएगा कि अभी क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का ही है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। और इससे बड़ा बड़ा भी आपको एग्जाम्पल मिलेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए आपको हमारा वीडियो देख करके ये सीखना होगा कि इसका रूल्स क्या होता है, और पहचान तो देखने के बाद खुद सीख जाइएगा कि चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा रहे, पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल्स एंड पहचान और आपको बहुत सारा कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो आप ज़रूर सीखे होंगे, तो आई होप कि आप जरूर सीख गए होंगे। तो कमेंट भी कीजिएगा, लाइक तो आपका बनता ही है, और कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आपको ये वीडियो क्या कैसा लगा, और आपका जो रूल्स और ये क्या बोलते हैं एक्सप्लेन करने की जो मेरा पास जो कैपेसिटी वो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हुआ तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझसे हमेशा क्वेश्चन करते रहिए, मैं हमेशा आपको बताने के लिए तैयार हूँ, और कोई डाउट हो बेझिझक पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में आपसे इतना ही, और आपको इतना ही बताने वाला हूँ, और आप फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, या इसी का पास्ट परफेक्ट के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।